हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। चूँकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि वॉल्यूम टू हम लोग 12 की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम टू की बुक से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन 12 में सबसे बेस्ट और बेहतरीन चैप्टर में से एक है। तो हम लोग पहले इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और सिक्वेंस रूप से जो है हम लोग कैसे सिन्हा और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। एक्सरसाइज वर्कआउट हम लोग करेंगे और इसके अलावा जो भी डाउट हो या फिर अगर किसी डिफरेंट बुक से पढ़ाते हैं या बनाते हैं तो अदरवाइज आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो कहीं भी परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले दिमाग में हम लोग का एक न्यू वर्ड आया, इंटीग्रेशन। चूंकि इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में भी होता है, साइंस में होता है, प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग यूज करते हैं कहीं कहीं इसका एप्लीकेशन, तो बहुत बड़ा लार्ज एरिया है इंटीग्रेशन का। तो चलिए दिमाग में किस तरह से आया, क्या कि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज कब करेंगे और क्यों किया जाता है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तब हम लोग फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एस दिया हुआ है। एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया है टी स्क्वायर प्लस टू टी, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमको चाहिए वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं कि फाइंड इसमें क्या चाहिए वेलोसिटी, अगर सिंपली वेलोसिटी बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो डी एस बटे डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, चूंकि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और 2 इंटू टी का क्या होगा 1। ये जनरली हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास भी दिया हुआ है, भी मान लीजिए वेलोसिटी दिया है t स्क्वायर प्लस 2t। अगर इस चीज़ से बोले कि आप लोग को जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस फंडा से जो है हमको क्या निकालना है, तो डिसप्लेसमेंट निकालना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकता है। ऐसे बनाने का जो मेथड्स है, ये वेलोसिटी है, तो हम लोग वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एस बटे क्या होगा डी टी। देखिए इस जगह डी एस बटे डी टी इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन रहेगा, क्योंकि इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, टी स्क्वायर इंटू क्या है टू टी। और इस डी एस को अगर इस तरह निकाला जाए टी स्क्वायर प्लस टू टी और इनटू क्या लिखेंगे dt, और इसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं तो ds का क्या मिलेगा s हमको मिल सकता है। अब देखिए ये मेथड जो जानते हैं, दैट मीन्स कि इससे हम लोग जो है वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये एक प्रोसेस है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का, किस तरह निकालते हैं। जनरली इंटीग्रेशन का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक तो फाइंड द डेरिवेटिव निकालने के लिए, दूसरा जो है क्लोज्ड एरिया निकालने के लिए। हम लोग का जो जनरली जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग क्यों कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक छोटा ऐसा डिफिनेशन पहले हम लोग इंटीग्रेशन का कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसी पद्धति है, इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ क्या हम लोग निकालेंगे, तो फाइंडिंग द फंक्शन, फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग द फंक्शन एफेक्स, इस एफेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोला जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड एंटी डिफ्रेंसिएशन, एंटी डिफ्रेंसिएशन। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन एफेक्स एंटी डिफ्रेंसिएशन, या एंटी डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ध्यान में समझ, इंटीग्रेशन का अगर हिंदी आप लोग को जाननी है तो वो होता है समाकलन, लिखा हुआ है समझो आकलन होता है समाकलन। ऐसा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन जो कि एंटी डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन का एक नया रूप क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। अब देखिए इसका जो है हम लोग दो तरीका से निकालते हैं, इस फाइंडिंग द प्रोसेस जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो जनरली इसका जो है इंटीग्रेशन निकालने का मेनली जो होता है, हम लोग टू टाइप से इसका मेन कॉन्सेप्चुअली बनाते हैं, टू टाइप से हम लोग क्या करते हैं इसका प्रॉब्लम आता है। पहला तो प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम है फाइंडिंग द फंक्शन, प्रॉब्लम जो है
फर्स्ट प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं हम लोग किस रूप से करते हैं, तो फाइंडिंग, हम लोग फाइंडिंग करते हैं क्या चीज, फंक्शन, फाइंडिंग फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जो है उस डेरिवेटिव इज गिवन है। एक तो ये में है कि जिसका डेरिवेटिव क्या हो, गिवन हो, और सेकेंड नंबर में जो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर, एरिया ऑफ किस रूप में निकालते हैं, तो हम लोग जो है बाउंडेड ग्राफ के लिए निकालते हैं, इस चीज़ के लिए निकालते हैं, कंडीशंस को दिखाते हैं। दो प्रकार का टाइप को हमको पढ़ना है, एक तो सबसे पहले फाइंडिंग फंक्शन, मुझे डेरिवेटिव जो है ये मेरे पास डेरिवेटिव क्या रहेगा तो गिवन रहेगा एक एरिया ऑफ क्लोज फिगर का। तो समझिएगा कि ये आखिर है क्या एरिया ऑफ, अभी हम लोग देखें फाइंडिंग द फंक्शन में इस तरह से निकाल सकते हैं, और एरिया ऑफ बाउंडेड का क्या मतलब हुआ। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग पहले सिंपल ग्राफ पे फोकस करते हैं, जैसे कि ये एक एक्स एक्सिस है, एक मेरा क्या है वाई एक्सिस है। अगर इस तरह का ग्राफ दिया जाए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं इस पे परपेंडिकुलर गिरा के और इस चीज़ का ग्राफ जो है हम लोग ईजी पूर्वक निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर इस तरह का फंक्शन हो, ये फॉर्मेट हो, तो इस पे हम परपेंडिकुलर गिरा के ये भी हम लोग ग्राफ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्स वाई लिख दिए और यहाँ पर क्या लिखे ओ एक्स वाई। बट अगर इस ग्राफ को, ये अगर ग्राफ को एक कर्व पार्ट दे दे, सपोज कीजिए इस तरह का पार्ट दे दे, तो इस समय एरिया निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट मीन्स कहने क्या, देखिए इस जगह का कहीं होगा फंक्शन, यहाँ पे कुछ और होगा, इस जगह का डेरिवेशन कुछ और होगा, इस जगह निकालते हैं तो कहीं और होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि एक छोटा छोटा सा जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम लोग कर्व और जिसका जो है लेंथ है डिफरेंट डिफरेंट हो। तो अगर इस पोर्शन में लिखते हैं, एक्चुअली ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या है वाई, इस पोर्शन में भी लिखते हैं, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं, ये छोटा सा जो फॉर्मेट है ये मेरा क्या है थिकनेस है डी एक्स है, इस चीज़ को भी क्या लिखते हैं डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ये मेरा फंडा क्या है वाई वन वाई टू वाई थ्री से वाई फोर डॉट डॉट चलते रहेगा। तब जब हम इसको एरिया निकालते हैं तो ऑब्वियस है कि ये तो मेरा क्लोज है इतना टो, ये तो एग्जैक्ट नहीं, ये तो कर पार्ट का है इस पोर्शन का, तो हम लोग जनरली लिख सकते हैं, चूँकि ये एक फिगर जो है एक आयताकार है, तो इसका अगर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का निकालते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड पार्ट का या बाउंडेड रीजन दैट मीन्स की क्षेत्र का, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, पहला क्या हुआ वाई वन इंटू डी एक्स, सेकेंड पोर्शन में चलते हैं तो क्या हो जाएगा वाई टू इंटू डी एक्स, थर्ड में चलते हैं तो वाई थ्री इंटू डी एक्स, इस तरह से अगर nth लेना है तो क्या हो जाएगा वाई एन इंटू डी एक्स। ठीक, अगर इस फॉर्मेट को हम लोग सिंपल वे में लिखते हैं तो समेशन ऑफ n इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक देंगे n, यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एन इंटू डी एक्स, दैट मीन्स कि ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं समेशन, समेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ एडिशन, दैट इज कॉल्ड, ये जो समेशन है यही चीज़ मेरा क्या कहलाता है इंटीग्रेशन। ये जो वर्ड है एक प्रकार का हम लोग जो इस तरह का जो शेप दिया इसे ही हम लोग कहते हैं कैसा शेप, तो इंटीग्रेशन का ये सिम्बॉल है। दैट मीन्स कि कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल अगर एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है और एक प्रकार का क्या है फ्लैम है, ठीक है फ्लैम है, उतना अच्छा मोमबत्ती नहीं बना, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा हवा का एक झोंका देते हैं तो इस तरह का एक शेप देता है, तो डांसिंग मोड में बहुत पतला, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या ए थीन लेयर ऑफ कैसा सीट है, तो मेटालिक सीट है, और मेटालिक सॉरी मेटालिक सीट है, ठीक है, जिसका शेप जो है कैसा है तो एस रूप में है, ठीक है कैसा है एस रूप में, यही एस रूप जो है वो कराता है एलोंग गेटेड एलो एन जी ए टी ई टी एक प्रकार कोड है, यही कि इसी चीज़ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है ये इंटीग्रेशन कहलाता है। अब देखिए इंटीग्रेशन में जो है कुछ कॉन्सेप्ट चोली है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कि हम लोग क्या करना है पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो प्रकार का टाइप है इंटीग्रेशन का, जनरली जो है इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका कितना टाइप है, तो हम लोग जनरली टू टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। एक तो अभी बोले कि क्लोज्ड फिगर के लिए निकालते हैं, पहला जो इंटीग्रेशन है वो मेरा क्या है तो इनडिफिनिट है, फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो पार्ट है आज एकदम से बेसिक्स बता देते हैं इनडिफिनिट है, और दूसरा इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो मेरा क्या है डिफिनिट है,
समझिएगा डिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है इस तरह का सिंबल जिसमें कि विदाउट रेंज हो, और डिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि ये ए से जैसे मान लीजिए बी दिया है, इस छोटा वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोअर पार्ट खूब अच्छी तरह से हम करवा देंगे, ठीक है, एकदम से लोअर पार्ट, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है बोले तो अपर पार्ट होता है। क्या होता है? लोअर पार्ट और क्या होता है? अपर पार्ट। और इस जगह मेरा क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स दिया है, और इधर भी फंक्शन मेरा क्या है? तो एफ एक्स दिया है। अब याद रखिएगा, अगर इनडिफिनिट को हम इंटीग्रेशन हटाते हैं तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस सी। तो ये जो सी होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट। ये मेरा जो सिंबल जो होता है वो मेरा क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि समाकलन जनरली दो प्रकार का होता है, इसका एरिया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग निकालेंगे। अब देखिए एक चीज होता है कि एक इसमें रिलेशन आता है, हम लोग को जो रिलेशन जो फाइंड करेंगे कि एक रिलेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन, दो प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि रिलेशन बिटवीन, एक मेरा क्या है तो इनडिफिनिट रिलेशन बिटवीन क्या है? इनडिफिनिट, और दूसरा क्या बोलते हैं कि डिफिनिट रिलेशन बिटवीन इनडिफिनिट एंड क्या बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स, इसको क्या बोलेंगे रिलेशन बिटवीन डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल को वाज जो इस्टेब्लिश किया, मतलब कि इस दोनों के बीच जो वाज इस्टेब्लिश एक रिलेशन होता है इस्टेब्लिश एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड, एंड कहीं कहीं पढ़े होंगे एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हम लोग बोलते हैं क्या चीज इंटीग्रेशन, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बोला जाता है। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये चीज CULUS कैलकुलस। चलिए अब हम लोग इसके बेसिक्स को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बेसिक में एक्चुअली में होता क्या है, इंटीग्रेशन हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक प्रकार का प्रोसेस है। प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जनरली देखिए एग्जांपल का एक बेसिकली बताते हैं कि मान लीजिए कि डी बटे डी एक्स एंटी डिफ्रेंसिएशन होता है, मान लीजिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। इस डी एक्स को इधर भेजिए तो डी इधर क्या लिखेंगे बोले तो साइन एक्स, इस साइड मेरे पास कितना हो जाएगा बोले तो cos x into dx। अब अगर इंटीग्रेशन इधर लगाते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाते हैं तो ये मेरा एंटी डेरिवेटिव है, ये दोनों कंप्लीट, ये दोनों कैंसिल हो जाता, तो इधर क्या बचा मेरे पास बोले तो sin x, जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल बचेगा हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस सी, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे बोले तो cos x और dx, cos x dx, ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन देगा दैट इज कॉल्ड क्या देगा, इस तरह का जो फंक्शन देगा हम लोग क्या बोलेंगे उसको इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट करते हैं। तो हम लोग आज जनरली बेसिक्स के बारे में कुछ पढ़े कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका जनरली एप्लीकेशन क्या होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज को आपको लिख दिया जाए, और उसके बाद जो है कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला के लिए हम लोग सिंपल है, दिमाग में रखना है क्या कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन का डायरेक्ट क्या है तो अपोजिट है, इंटीग्रेशन जो है हम लोग का डायरेक्ट क्या है। तो कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट में आज पांच ही लिख देते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसको एकदम से ध्यान से रखें, मैक्सिमम सवाल इसी पे बनेगा, और अगर कोशिश कीजिएगा तो हद तक जो है 19.1 के सी सिन्हा का फॉलो कीजिएगा। एक दो सवाल में क्या है कि dx, बिना dx का इंटीग्रेशन नहीं होगा, dx का क्या होता है तो x प्लस सी। थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, dx के बाद जो है e पे पावर x dx, इसका होता है फॉर्मूला x प्लस सी, और फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा 1 बटे x dx, इसका कितना होता है तो log x प्लस सी, और लास्ट फिफ्थ नंबर में 1 बटे रूट एक्स और dx, इसका क्या होता है तो 2 रूट एक्स प्लस सी। सिक्स भी लिख देते हैं, अगर कोई पूछ दिया कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है तो ओनली फॉर k लिखिएगा, प्लस सी इसमें नहीं होता, सिर्फ जीरो का इंटीग्रेशन k होता है, साइन हो गया। और एक पढ़ना है क्या, a पे पावर x dx, तो इसका फॉर्मूला होता है a पे पावर x बटे
लॉग ए प्लस सी। आप लोग इतना फॉर्मूला पहले कंप्लीट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद इजी वे में जो है आपका हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। dx रूट एक्स हो गया, देखते हैं एक दो, इतना दूर तक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, अगर सिंपल ही रहेगा कांस्टेंट हो गया। अगर साइन एक्स का मान लीजिए आपको देता है इंटीग्रेशन, याद रखिएगा साइन का अगर दे दिया तो होता है क्या चीज़, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और नाइन नंबर में अगर कॉस एक्स रहेगा तो इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। और एक लास्ट कर देते हैं, 10 नंबर में याद रखिएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, साइन कॉस बोलिएगा कि टेन आप सर ने लिखे, तो अभी जस्ट जो है इनिशियली वे में देते हैं, एक साथ हम सब फॉर्मूला को नहीं लिखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि जो जो चैप्टर आते हैं।